सभा में उपस्थित महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, इस सभा के अध्यक्ष और हमारे साथ बाई तरफ खड़े पूर्व सांसद विधायक राय राम बाल जी, हमारे उस मंच पर जो रथ के पीछे दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में नेता है समाजवादी पार्टी के महान दल के सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं जो मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले महान दल के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए और मैं उस नारे के लिए भी बधाई देता हूं जो महान दल ने नारा दिया था। याद है कि कासगंज का नारा, जो कासगंज में नारा दिया गया था, वही कालवी में घूम रहा है। महान दल खड़ा है, ये समर्थन जो मिला है, इस समर्थन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज समाजवादी पार्टी विजय रथ लेकर के निकली है। कल वही कानपुर गंगा मैया के किनारे से निकल करके रथ यात्रा लगातार चल रही है और यमुना नदी से निकल करके फिर वापस जाएगी। समाजवादी पार्टी का ये विजय रथ तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया ना हो जाए। याद होगा यही कालपी के लोगों को, समाजवादी सरकार तो काम हो रहा था, यही सड़क जो कालपी से हमीरपुर जाती थी, कितने गड्ढे थे, कितना मुश्किल होता था चलना, घंटों लग जाते थे तब हमीरपुर पहुंचते थे और हमीरपुर के लोग कालपी इस रास्ते से नहीं आते थे। समाजवादी सरकार बनी, कब कालपी से हमीरपुर पहुंच गए, कब हमीरपुर से कालपी आ गए, ये पता नहीं लग पा रहा था। इसी तरह अभी महामारी आई, लोगों को इलाज के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए भागना पड़ा। ये जो बीमारी आई, इसमें सरकार न दवाई दे पाई, न अस्पताल में बिस्तर दे पाई, और जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोग अपने आप मेहनत करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, अपनी ऑक्सीजन का खुद इंतजाम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। गरीब जनता को अनाज छोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय 102-108 एम्बुलेंस काम आ रही थी, वही समाजवादी पार्टी की सरकार की। और इधर आप जानते होंगे जो 100 नंबर चलाई थी पुलिस के लिए, कहीं अगर परेशानी हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन करने पर आपके पास पुलिस पहुंचने का काम करे, उसके लिए 100 का इंतजाम किया था। लेकिन पता नहीं सरकार के जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 100 का 112 कर दिया। बताओ समय पे पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। अब वो बुराई जाने में कहां से आ गई, बुराई जाने में चलाने कहां से। ये शुभ कार्य हुआ है और इससे ज्यादा शुभ कार्य नहीं हो सकता है, जिसमें पत्रकार साथियों को थोड़ी थोड़ी भी चोट न लगी हो। तो ये काम याद है, यही जालौन में कालपी में सोलर प्लांट लग रहे थे, सोलर प्लांट लगना शुरू हो गए, बिजली बनाने का काम। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, बताओ क्या हाल हो गया है हमारे किसान भाई, बताओ, सब किसान दिखाई दे रहे हैं।
महान दल के जितने लोग हमें साथी दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसान हैं, खेती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कोई किसान बताए हमें कि उसकी आय दोगुनी हो गई, कोई किसान का बेटा बताए कि आय दोगुनी हो गई, पैदावार जो हुई उसकी कीमत नहीं दे पाई सरकार, और लगातार दोनों सरकारों ने महंगाई बढ़ाई है। आज जब हम आपके बीच में हैं तो बताओ पेट्रोल कहां पहुंच गया है? पेट्रोल पहुंच गया 100 से पार, डीजल भी पीछे पीछे चल रहा है, डीएपी है नहीं किसान के लिए, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? ये सरकार जिसने आय दोगुनी का वादा किया हो, तो 3 कानून ऐसे लेकर गया है जिससे आपकी खेती छिन जाएगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, खेती छिनेगी, और आपको अपनी खेती पर मजदूरी करनी पड़ेगी। ये काले कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब किसान विरोध किए, जिस समय किसानों ने विरोध किया लखीमपुर में, तो यही भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे और उनके तमाम सहयोगी साथियों ने किसानों को कुचलने का काम किया, किसानों को कुचला, उनकी जान चली गई, और बाद में तैयारी थी कि कानून भी कुचल दें। इन्हें अगर और ताकत मिल गई तो हो सकता है आने वाले समय में ये संविधान को भी कुचल दें। इसलिए बचाने के लिए संविधान, कानून को बचाने के लिए हमारा किसान खड़ा है, और 2022 में इनका सफाया करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत समर्थन दिया बीजेपी को, बुंदेलखंड के लोगों ने समर्थन दिया बीजेपी का, बताओ इतना समर्थन किसी दल को नहीं मिला। सब विधायक हटा दिए, सब सांसद हटा दिए, बताओ बुंदेलखंड के लोगों को आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? सब विधायक जीत गए, उनके किसी पार्टी का विधायक नहीं जीता। सब जीत गए कि नहीं जीते उनके विधायक? सांसद जीत गए सब, और बुंदेलखंड की जनता को क्या मिला बताओ? और हमारे छिलम जीवी पता नहीं कहां है, सरकार कहां से चला रहे हैं? ये छिलम जीवी भी है, उन्हें चिंता नहीं है कि उनका मतदान किधर जा रहा है। सड़क में गड्ढे हो गए, अन्ना जानवर को बताओ, अन्ना जानवर के लिए योजना चलाई कि नहीं चलाई? अन्ना जानवर के लिए क्या चल रहा, कितना पैसा आया, अरबों रुपया आया, पता नहीं कहां चला गया। और कभी कभी सरकार सड़कों पे बुल से और बुलडोजर से डराती है। बुल और बुलडोजर से चलाने वाली सरकार, याद रखे, इस बार जब 22 में चुनाव आएगा तो यही बुंदेलखंड की जनता इतना वोट डालेगी, इतना वोट का बुलडोजर चलाएगी कि भारतीय ये विजय रथ तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया ना हो जाए। सफाया करके ही विजय पाने का काम समाजवादी पार्टी के साथ महान दल कर रहा है, और हमें खुशी है इस बात की कि आज सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा भरोसा हमारे पिछड़े नेताओं को, पिछड़े दल की पार्टियों को अगर किसी पे, तो समाजवादी पार्टी पर है। इसीलिए हम महान दल को धन्यवाद देते हैं, और हमने राजा रामपाल जी का भी धन्यवाद देते हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए साथ आने का काम किया है। इसी तरह के साथी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो विनोद अग्नोत्री जी हो, चतुर्वेदी जी हो, चाहे उपाध्याय जी हो, चाहे बसपा के तमाम हमारे नेता हो। चाहे हमारे अनुरागी जी हो, गया दिन अनुरागी जी हो, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है,
और याद कीजिए वही समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है, आप हम लोगों को मौका दोगे तो बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, अस्पताल से लेकर के अगर हमें कोई सुविधा देनी पड़ेगी जिससे हमारे किसानों की खुशहाली हो, वो सुविधा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आज महंगाई देखो कहां बढ़ गई, यही पकौड़ा बनाने वाली पार्टी जो कहती थी पकौड़ा बनाओ, याद कीजिए पकौड़ा बनाने वाली पार्टी क्या कहा था नौजवानों आपसे कि जाओ रोजगार है, नौकरी है, पकौड़ा बनाओ, यही रोजगार है तुम्हारा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो पकौड़े बनाने वाला सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया ये बताओ आप। पेट्रोल का दूना हो गया सरसों का तेल, और भाजपाइयों से पूछा कि ये सरसों का तेल महंगा कैसे है तो बताया कि आजकल मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए तेल महंगा हो गया है। सोचो जिन्होंने दाल महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी और हर चीज बेची जा रही है, हवाई जहाज भी बेच रहे हैं और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेचे दे रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, जहां पानी का जहाज खड़ा होता है वो जगह भी बेच रहे हैं, ये रेल बेचे दे रहे हैं और जहां पर रुकते हो चढ़ते हो स्टेशन भी बेचे दे रहे हैं। सोचो ये बेचने वाली सरकार है, ये फेकू सरकार तो थे ही थी, ये बेचू सरकार भी बन गई है, ये बेचू सरकार है। और याद कीजिए दुनिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो एक कानून लाई, वो कंपनी सरकार बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बहुत कारोबार कर रही थी, यहां थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था उनका, लेकिन एक कानून उन्होंने पास किया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी कंपनी थी वो सरकार बन गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, चीजें बेचते चले जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये धीमे धीमे सब बेच दें, सरकार भी कंपनी बन जाए और खुद गद्दी छोड़ करके आउटसोर्स कर करके सरकार को भी चले जाए। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा इन लोगों से। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए उनको छीना जा रहा है, वो हकों को छीना जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार चलेगा, किसानों का हक सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, कारोबार बढ़े, रोजगार मिले, उद्योग लगे, जिससे उत्तर प्रदेश भी खुशहाली के रास्ते पर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान दल के नेता उनकी ये जो ताकत दिखाई दे रही है, उनके जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो महान दल के कार्यकर्ता नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं ये जो जो खुशी दिखाई दे रही है, जो महान दल का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? नौजवान साथियों, नौकरी और रोजगार छीन लिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और जो बुल और बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, इनका बुलडोजर छीन करके आप अपना वोट का अधिकार दिखा करके इन पर वोटों का बुलडोजर चलाओगे कि नहीं चलाओगे? साइकिल को डीजल की भी जरूरत नहीं है, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। इसलिए महान दल के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए,
हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग और मदद मिल जाएगी। तो आने वाले समय में हम माताओं बहनों को भी जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए दे रहे थे 3 गुना करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमारी गरीब माताओं बहनों का भी हम लोग सम्मान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि जब चुनाव आएगा तो हमारी मदद करने का आप लोग काम करेंगे। एक बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी से हमारे तमाम साथी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से अनुरागी जी और हमारे विनोद चतुर्वेदी जी और उनके तमाम सहयोगी साथी जो पार्टी में आए हैं, उनको बधाई देता हूं। राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं और केशव जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।